हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते और जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। दोस्तों, आप कितनी भी सक्सेस पा लें, कितनी भी शोहरत पा लें, चाहे कहीं भी अपना नाम लिखा लें, लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर आप उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आप आधा और अधूरा महसूस करेंगे और चाहे आप दुनिया के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन खुद के लिए एक फेलियर ही रहेंगे। दोस्तों, जब मैं पहले पर्सनल काउंसलिंग करता था तो मेरे पास जो 90% क्लाइंट्स आते थे वो रिश्तों की प्रॉब्लम को लेकर आते थे, और उनमें मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी होती थी। कुछ एकाधा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी और उसका इम्पैक्ट ऐसा होता था कि उनके रिश्ते खराब हो चुके होते थे या फिर वो डाइवोर्स लेने वाले होते थे। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजी के टूल्स बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने रिश्तों को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, रिश्ते की बगिया में फिर से एक मिठास घोल सकते हैं और अपने जीवन को फिर से मधुर और आनंददायी कर सकते हैं। नंबर वन, अपरूट द वीड्स। दोस्तों, अगर आप कोई गार्डन क्रिएट कर रहे हो, कोई बगीचा लगा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ खरपतवार भी उगेंगे, वहाँ पे कुछ घास या ऐसे पौधे भी उगेंगे जो कि आपके प्लांट के न्यूट्रिशन को खा जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्लांट को छेड़ना नहीं है, आपको उन वीड्स को, उन खर पतवार को उखाड़ कर फेंकना है। वही काम हमें रिश्तों के साथ करना होता है। जब भी दो लोग साथ रहते हैं तो उनके बीच में कुछ मनमुटाव होंगे, उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगी, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उन बातों को भूलना सीखें, उन छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करना सीखें, अपने पार्टनर को फॉरगिव करना सीखें। और इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे खरपतवार को निकाल कर फेंक देंगे, तो बड़ा रूप नहीं लेंगे, विकराल रूप नहीं लेंगे और आपके रिश्तों की बगिया को बिल्कुल हरा भरा रखने में मदद करेंगे। नंबर टू, फोकस फ्रॉम व्हाट इज मिसिंग टू हाउ कैन यू क्रिएट व्हाट इज मिसिंग। दोस्तों, कहते हैं कि वेराइटी एंड डेफिशियंसी इज द लैंग्वेज दैट गॉड स्पीक्स। कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती और कोई भी चीज़ हमेशा परिपूर्ण नहीं रह सकती। वही हाल हमारे रिश्तों में भी होता है। जब कभी भी हम किसी रिश्ते का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ तकलीफें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बातों को ही इलैबोरेट करते रहें, उन बातों पर ही अपना फोकस करें और उन चीज़ों को ही बार बार क्रिटिसाइज करते रहें। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम ये देखें कि ये तो प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको हम फिर से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जब इस तरह से आप क्रिटिसाइजर के बजाय एक क्रिएटर बनते हो, तो आप ये देखोगे कि आपके रिश्ते ड्रेस्टिकली चेंज करने लगते हैं। नंबर थ्री, गिव टू गेट। दोस्तों, रिश्ते में हम क्या फोकस करते हैं कि हमें क्या मिला, हमें कितनी इज्जत मिली या हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी एक फिलोसोफर ने एक कहानी सुनाई थी कि जब कभी भी रिश्ते बनते हैं तो दो भिखारी हैं, एक के पास एक कटोरा है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, और वहीं लड़की भी एक कटोरा अपने पास रखती है कि आप मुझे क्या दे सकते हो। और जब एक भिखारी दूसरे भिखारी से मिलता है कि कुछ लेना है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को आखिर देगा तो क्या देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ ये ना देखें कि मुझे क्या मिल सकता है, बल्कि आप इस पर फोकस करें कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या दे सकता हूँ। मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, मैं अपना अटेंशन दे सकता हूँ, मैं केयर दे सकता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ, या फिर और क्या दे सकता हूँ। और दोस्तों, पैराडॉक्स ये है कि जब आप देना शुरू करते हैं तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलने लगती हैं जो कि आपकी बेसिक नीड्स हैं या जो कि आप दिल से चाहते हैं। नंबर फोर, थिंक अबाउट वी रेदर देन मी। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में हमें सेल्फ सेंटर्ड होना सिखाया गया है। हमें ये सिखाया गया है कि अपने आप पर फोकस करो, तुम क्या ले सकते हो या फिर तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, तुम्हें कितनी सिग्निफिकेंस मिली। इसका परिणाम ये होता है कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं या जब हम कुछ सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मैं सेंटर में हूँ और मैं अपने हिसाब से अपनी दुनिया कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पे ये यूनिट मी नहीं है, ये यूनिट वी है। हम जब भी आप प्लानिंग करें तो हम के लिए करें, इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा, हम किसी काम को कैसे कर सकते, हम ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं,
इस तरह से जब आप एक यूनिट के बजाय एक फैमिली की तरह सोचना शुरू करेंगे तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगे। एंड नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, टेक योर टाइम टू फाइंड व्हाट इज़ द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर पार्टनर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काम के प्रेशर में, हम ईगो के साउंड के चक्कर में सिर्फ अपनी दुनिया, अपने आप और जो हमें अच्छा लगता है उस पर ही फोकस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पार्टनर, उसकी खुशी भी हमसे ही डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें कुछ समय ऐसा ज़रूर देना चाहिए जिसमें कि हम अपने पार्टनर की ज़रूरतों पे फोकस कर सकें, जिसमें हम ये देख सकें कि हम अपने पार्टनर को और खुश कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आखिर उसके आत्मा की पुकार क्या है। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, अपने पार्टनर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोई भी कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उठाना शुरू करते हो, तो आप ये देखोगे कि एक व्यापक सी एनर्जी, एक अलग सी ही एनर्जी आपके रिश्तों में आने लगी है, आपके रिश्तों में एक अनोखी सी मिठास आने लगी है। दोस्तों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि आजकल रिश्तों की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि छोटे छोटे मनमुटाव भी ऐसे डायरेक्शन ले लेते हैं जहाँ की डाइवोर्स हो जाया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तों को बेहतर करें। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक नई वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुँचें, इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।